2020 ये वो साल है जो हमारे जीवन के सबसे बुरा दौर है। इस समय पूरा विश्व महामारी से जूझ रहा है और मार्केट्स क्लोज्ड हैं, थिएटर्स बंद हैं, पब्लिक प्लेसेस पर कोई अलाउड नहीं है और न जाने कितने लोगों के पास सर्वाइव करने के साधन भी नहीं हैं। हर व्यक्ति किसी न किसी शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना से गुजर ही रहा है। किसी को देखकर अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है कि वो किस तरह की प्रॉब्लम से गुजर रहा है। दोस्तों, आपसे मैं यही गुजारिश करूँगा कि अपने फ्रेंड्स, फैमिली, एम्प्लॉयज़, नेबर्स, जिनके भी संपर्क में आप हों, उन सभी से अपने डिफरेंसेस को अलग करके खुल के बात करें, उनका हाल पूछें। पता नहीं कौन किस तरह की प्रॉब्लम से गुजर रहा हो। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सबसे होनहार कलाकारों में से एक सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, जिनके सुसाइड का खबर हाल ही में मुझे व्हाट्सएप पर मिला। पहले तो मैंने उसे पढ़कर अवॉइड कर दिया, मुझे लगा कि कोई मुझसे जोक कर रहा है, मजाक कर रहा है, पर फिर मैंने गूगल पर चेक किया और मैं दंग रह गया। वैसे तो देखा जाए सुशांत सिंह राजपूत ने इतनी कम उम्र में बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं जो अपने आप में माइलस्टोन हैं। उनके पास हर वो चीज़ होगी जिसकी हम और आप केवल कल्पना ही कर सकते हैं, मगर उनकी पर्सनल लाइफ का क्या प्रॉब्लम्स रहे होंगे और उनकी लाइफ में क्या चल रहा होगा, इससे हम और आप पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं। दोस्तों, ये वीडियो मेरी तरफ से सुशांत सिंह राजपूत को श्रद्धांजलि होगी। आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रे ज़रूर करें। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत का जन्म 21 जनवरी 1986 में पटना में हुआ था। उनकी सिस्टर मीतू सिंह एक स्टेट लेवल क्रिकेटर रही हैं। सन 2002 में सुशांत की मां का देहांत हो चुका था, जिसका असर उनके जीवन पर काफ़ी पड़ा और उसके बाद उनका परिवार दिल्ली में शिफ्ट हो गया। सुशांत बचपन से ही बहुत तेज़ दिमाग के रहे हैं। उन्होंने DCE एंट्रेंस एग्ज़ाम में ऑल इंडिया 7th रैंक हासिल की और बैचलर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। वो अपने स्टूडेंट्स लाइफ में फिजिक्स की फील्ड में नेशनल ओलंपियाड विनर भी रहे हैं और उन्होंने बताया था कि उन्होंने टोटल 11 इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को क्लियर किया है, जिनमें इंडियन स्कूल ऑफ माइंस भी शामिल है। दोस्तों, इतने मुकाम हासिल करना स्टूडेंट लाइफ में अपने आप में भी बड़ी बात होती है। इसके बाद उन्हें थिएटर और डांस करने में ज़्यादा मज़ा आने लगा। दोस्तों, इस तरह के होनहार स्टूडेंट्स के लिए इस लाइन में आना बहुत बड़ी बात होती है, मगर सुशांत ने अपने दिल की सुनी और फिर थिएटर और डांस करते करते उन्हें शामक डावर्स की स्टैंडर्ड डांस ट्रूप में चुना गया और फिर इसके बाद उन्हें 51st फिल्म फेयर अवार्ड्स 2005 में एज अ बैकग्राउंड डांसर परफॉर्म करने को मिला। इसके बाद उन्हें 2006 में कॉमनवेल्थ गेम्स ऑस्ट्रेलिया में भी परफॉर्म करने का मौका मिला। इसके बाद उनका करियर एज अ डांसर अच्छा चल रहा था, जिसकी वजह से पढ़ाई को टाइम दे पाना पॉसिबल नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से उन्हें आखिर में अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। दोस्तों, सुशांत ने अपना डेब्यू स्टार प्लस के रोमांटिक ड्रामा किस देश में है मेरा दिल से किया और फिर उसके बाद जी टीवी के अवार्ड विनिंग शो पवित्र रिश्ता में मानव का रोल किया, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। इसके बाद बड़े पर्दे पर आई उनकी फिल्म काई पोचे, जो उनकी डेब्यू फिल्म थी, जिसके लिए उन्हें फिल्मफेयर अवार्ड फॉर बेस्ट मेल डेब्यू के लिए भी नॉमिनेट किया गया। उसके बाद वो देखे शुद्ध देसी रोमांस में और फिर हम सब ने उन्हें डिटेक्टिव के रोल में डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी में देखा। इसके बाद वो वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म PK में सपोर्टिंग रोल में दिखे। उनकी लाइफ के सबसे यादगार फिल्म अगर है तो वो है MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी, जो हम सभी के दिलों में बसती है, जिसके लिए उन्हें पहली बार फिल्मफेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर के लिए भी नॉमिनेट किया गया। दोस्तों, इस फिल्म से उनका करियर एकदम से उछाल पर आ गया और इस फिल्म से उनको बहुत सम्मान मिला। इसके बाद कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म्स केदारनाथ और छिछोरे में भी नज़र आए। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ अपने आप में एक सक्सेस स्टोरी है, जिसने कई लोगों को इंस्पायर किया है। हम और आप उनसे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, मगर आज ये खबर सुनकर मानो पैरों के नीचे की ज़मीन ही खिसक गई हो। कहाँ फिल्मफेयर अवार्ड्स में बैकग्राउंड डांस करने वाला बंदा आज बॉलीवुड के सबसे उभरते सितारों में से एक है, मगर अब वो हमारे बीच नहीं रहे। उनकी मृत्यु का कारण क्या रहा होगा, उसकी चर्चा मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट कोई है तो वो है इंसान। अब वही हमारे बीच नहीं रहा, तो फिर हम क्यों ना उनकी लाइफ के अच्छे पलों को याद करके उन्हें एक सच्चा ट्रिब्यूट दें। मुझे यकीन है कि उन्हें हम और आप हमेशा मिस करेंगे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें।